राजेश बादल का पड़ाव है झारखंड में खूंटी। नमस्कार, मैं हूं राजेश बादल। हमारे विशेष कार्यक्रम चुनाव के हमराही में आपका स्वागत है। बिहार से अब हम आ पहुंचे हैं झारखंड में और जा रहे हैं बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू। बिरसा मुंडा को यहाँ के लोग भगवान की तरह पूजते हैं। बिरसा मुंडा ने झारखंड में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ा था। तब से आज तक झारखंड में हर राजनीतिक पार्टी बिरसा मुंडा के नाम पर वोटों की फसल काटती है। उलिहातू झारखंड की राजधानी रांची से करीब 60 किलोमीटर दूर है। टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्ते वहां तक ले जाते हैं। जब हम उलिहातू पहुंचे तो सारा गांव ही जैसे एक बस पर सवार होकर नजदीकी हाट बाजार की तैयारी में था। भर गई गाड़ी तो पूरी है? बसें यहां कम ही हैं, लिहाजा कोई भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन कमी सिर्फ बसों की ही नहीं है, अलग झारखंड राज्य बनने का दरअसल यहाँ कोई भी खास फायदा नहीं पहुँचा है। सरकार जो अभी राज चला रही है उससे अब उनको कोई फायदा अभी तक झारखंड मिलने के कोई या नहीं है, मतलब उसके आधार पर अभी नहीं चल रहा है। इसके बाद हम पहुँचे बिरसा मुंडा के घर, जिसे अब स्मारक बना दिया गया है। एक सदी पहले बिरसा की शहादत ने गांव के लोगों की निगाहों में उन्हें भगवान बना दिया। 1875 में पैदा हुए बिरसा ने बिरसाई धर्म चलाया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। उन्हें जेल में डाल दिया गया, जहां यातनाओं और इलाज की कमी की वजह से वो सिर्फ 25 साल की उम्र में ही शहीद हो गए। स्मारक में ही मिले गांव के सबसे बुजुर्ग निवासी जानपुरत ने हमें बताया कि झारखंड का तीर्थ बन चुके उलिहातू में समस्याओं का अंबार है। चुनाव के इन दिनों में सभी नेता जय बिरसा कर रहे हैं, लेकिन वोट सोच समझ कर ही दिया जाएगा। हम लोग जो राय मशबीरा हो, सलाह मशबीरा होगा वही होगा, नहीं तो कोई पट्टी भी कहेगा हमको दीजिए, सभी कोई न बोलेगा, पर हम लोगों में जो अपना माइंड में है सो ही हो। गांव के लोग नेताओं की बजाय अपने भगवान बिरसा को ही अपना संकट मोचक मानते हैं। आज भी सुबह मेरे गांव भर में बिरसा मुंडा के भजन गाए जाते हैं। करीब 2000 की आबादी वाले इस गांव के लोग साप्ताहिक हाट बाजार में अपनी जरूरत की चीजें खरीदते नजर आए। हर 10-15 किलोमीटर पर लगने वाले इन बाजारों में बंगाल, उड़ीसा और बिहार के व्यापारी आते हैं। वो आदिवासियों से महुआ और इमली जैसे जंगली उपज औने पौने दामों में खरीद कर ले जाते हैं और भारी मुनाफा कमा लेते हैं। अलबत्ता चावल की हंडिया का जाम पीकर आदिवासी अपने सारे गम जरूर भुला देते हैं। हाट से हम लौटे तो यही सोचते हुए कि हमारे चुनावी सफर में क्या कोई ऐसा इलाका मिलेगा जहां के लोग आज के नेताओं की तारीफ करते हों। तो ये था कैमरामैन अंकुर खंडेलवाल के साथ झारखंड के गांव उलिहातू का सफर, और अब चलते हैं